गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज फिर हम कनिका से मिल रहे हैं। और कनिका आ जाइए मेरे पास। लंच था डिनर था क्या था ये यू था लेकिन लेकिन खाना अच्छा बनाया था मुझे ये पता है। चटनी एक नंबर की बढ़िया थी। मुझे चटनी एक नंबर की थी भाई। एक नंबर खाना भी खा लिया लेकिन अभी भी ऐसा है। आपको चटनी खानी हो तो एड्रेस मेरे ब्लॉग में मेंशन करूंगा। एड्रेस मत करना भाई। वो वाली बात अपना से करते ना मेरा जब भी हो भीड़ लग जाएगी ना यहाँ पे फिर। एड्रेस बंदे ना दे रखी और बहुत जल्दी भी बनते हैं ये वाले छोले। तो भाई किसी को रेसिपी पूछनी हो ना वो बता सकती हूँ मैं। लेकिन एड्रेस की साइड में अभी पूछ रही थी बैठ के कि चटनी की तो मेरे को बता ही दो। चटनी की हाँ क्या जरूरत है आते जाते ले जाए नहीं बनानी के आनी चाहिए। कुछ चीजें ना राज की होती है उनको राज रहने देना चाहिए। ना उधर मेरे पास हॉस्पिटल भेज देंगे आप हॉस्पिटल आ जाना मेरे पास। मतलब कि एक कहानी है हॉस्पिटल की है ना वो कैसे वो एक फिक्र करा के रहेगी अच्छे से चला के रहेगी। तुम भी कह रहे थे हॉस्पिटल आ जाना ना भाई अपने हॉस्पिटल में तू चला ले। गलत तो नहीं रोहित सही कह रहे ना हम मिलने के लिए आ सकते हैं। तो मिलने के लिए बुला रही हूँ कुछ बुला एक दो टेस्ट कैसे करवा दूंगी सच में करवा दूंगी। कनिका बहुत प्यारी है और उनकी मम्मा उनसे भी ज्यादा प्यारी है। और रोहित ने क्या लठ मार रखे थारे ना। रोहित बैठा है कनिका के सामने सामने बैठे देखते रहे। हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। ये श्रीमती कनिका रोहित छेकारा की ग्रैंड मदर भी हैं और रोहित छेकारा की माता जी भी हैं। तो आज हमें इनसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तो श्रीमती शीला छेकारा जी आप अपने कुछ अनुभव हमें बताना चाहेंगी। बहुत ज्यादा ऑफिशियल हो गया ना। ऑफिशियल हो गया सुनो चटनी के बारे में तो बता दो भाई। सुनो मैं ऐसा है ये कनिका और रोहित ये आपके पुत्र और पुत्र वधू हैं। ये आपकी सेवा करते हैं नहीं करते हैं ये अच्छी करते हैं सेवा तो वो देखेंगे अभी फिलहाल तो अच्छी कर रही है आगे देखेंगे बताएंगे जो नहीं शुरू शुरू जैसा टाइम है भाई। शुरू शुरू में बहुएं जैसे दो तीन महीने तो सासू को गोद में बिठा के रखती हैं फिर उसके बाद फेंक देती हैं। अभी दो महीने हो गए शादी को अभी 3-4 को 3 महीने हो जाएंगे। हाँ तो 5 तारीख के बाद आपकी उल्टी गुनती स्टार्ट होगी। उसके बाद आपसे फिर एक इंटरव्यू लिया जाएगा तब जाना जाएगा कि आपकी बहू रानी कैसी आई है। बाकी जैसा कि मैं देख सकता हूँ कि कनिका एक बहुत ही अच्छी बच्ची है और मुझे लगता है मुझे पर्सनली मेरे अनुभव से लगता है कि वो आपका बहुत ख्याल रखेगी। बाकी आपके गाल पे जो ये तिल है ना जी ये टू मच है जी। ऐसा है आपने छिगारा साहब को तो दबा के रखा हुआ है तो ये बच्चे आजकल के ये न्यू जनरेशन है ये डाउनलोडेड है। ये बच्चे पैदा नहीं हुए डाउनलोडेड बच्चे हैं। ये ई जनरेशन है। इनको मनाना इनको समझाना मतलब ऊंट को ट्रेन में बिठाने के समान है। हम इनको नहीं समझा पाएंगे और आपको इनके साथ कदम से कदम मिला के चलना पड़ेगा। लेकिन आप इनको समझा दोगे ना। हाँ ये बात ठीक है ना है ना जी ये तो मेरे समझ में आ रही है ठीक है। अच्छा मैं आपसे एक बात और बात जानना चाहता हूँ कि ये बाल आपके काले हैं या डाई कलर के हैं। ये कॉन्फिडेंशियल है
नहीं, बाकी आप ऐसा कह सकते हैं छिकारा साहब गरम है। नहीं बाकी मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो चेहरे की रौनक है वो और भाई भगवान जल्दी से तुम दोनों की गोद भरे, नन्ना मुन्ना छोटा सा काना आए भाई, ठीक है? और ऐसे ही परिवार हंसता खेलता रहे और ऐसे ही हमारे घर आते जाते रहना भाई, परिवार बन गया अभी तो अच्छे है ना। मैंने सोचा क्या गिफ्ट दू, क्या गिफ्ट दू, फिर मैंने सोचा भाई काना जी दे देती हूँ, ठीक है? और भाई ये तुलसी माला है, कभी दिल करे तो गले में डाल लेना आप लोगों में से, नहीं तो कोई दिन के रखिए, ठीक है? तुलसी माला तो हाँ, तुलसी माला सही बात है, लो मैं पहना देती हूँ ना, गला मत दबा दियो ना, 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 ना। थी। वैसे अच्छे लगे बस वही था मेन, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, नहीं नहीं मैंने इसे छोटी ली थी थोड़ी सी, मुझे अच्छी लगती है, काले वालों को मत छेड़, नहीं नहीं भाई तुलसी पहना, तुलसी माला पहना लेना, मुझे अच्छी लगती है तुलसी माला, मैं भी डालती हूँ नेक्स्ट टाइम आपके लिए, बहुत प्यारी तुलसी माला लेके आऊंगी मैं, वंदन वंदन तुलसी माला वहां पे मेरे घूम हो गई सगा भाई, मेरी नकाशी हो रखी राधा कृष्ण की, काफी बड़ी अच्छी तुलसी माला, फंक्शन पार्टीज के अलग अलग तुलसी माला रखती हूँ, वो भी स्टैंडर्ड में आती है भाई। अच्छी लगी ना? हाँ, और भगवान जी जल्दी से हंसते खेलते परिवार में लड्डू गोपाल आएंगे, यहाँ पे भी ये बैठे, ये भी आपके ही है, हम सब इनके हैं। कितना प्यारा गिफ्ट कभी नहीं मिला, नहीं मिला, बहुत ज्यादा प्यारा गिफ्ट है, दिल खुश हो गया ना हमसे मिलके, परिवार सा बन गया मेरे, मतलब अच्छा लगता है सच में, कोई फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए, और मुझे तो ना काले रंग के रूप में ना कितने लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, हमारे ना काले रंग वाले नहीं है, मेरे जो चाची है मौसी है सबके घर में लड्डू गोपाल, आपके घर में भी लगते हैं, मेरे घर में लड्डू गोपाल आ गए, और वो सीरियसली ये बताते हैं कि उनको एक्सप्रेशन भी दिखते हैं लड्डू गोपाल जी के, हाँ। कि अगर पंखा भी नहीं चल रहा है, गर्मी लग रही है तो वो उनको फील होता है, कभी कमरे में अकेला छोड़ दिया तो ऐसा लगता है कि लड्डू गोपाल जी आवाज लगा रहे हैं कि आ जाओ मेरे को अकेला में, कुछ वो बिल्कुल बच्चा मान गए ना उनका, जैसे कहीं जाते हो तो मतलब आप अकेले छोड़ देना, साथ में लेके जाना, साथ में बहुत मुश्किल होता है भाई, भगवान जी कहते सबसे पहले अपने परिवार को खुश रखो, उनकी सेवा करो, ठीक है? मेरे अंदर तुम आस्था रखो, अच्छे कर्म करो, है ये चीजें है, और जिसकी जो आस्था है भाई देखो वो वैसा कर सकता है, किसी पे कोई बाउंडेशन वगैरह नहीं है, उसका दिल करे वैसा करो, तो सारी बात सुन लो भाई तुम, हाँ। सुन लो भाई सबके लिए है। कितना सीरियस हो के वीडियो बनाते हैं, ज्यादा ना के साथ में खड़े तो हम भी है भाई, नहीं वैसे भी है ना, डॉक्टर लाल पैट से फोन आया था, कहते आपके फैन है, वहाँ से नंबर ले लिया, देख लो भाई कितनी बड़ी सेलिब्रिटी है, खड़े हैं तो। वैसे भी मुझे ऐसा लगता है कि जब लड़कियों के घर से कॉल आ जाती है ना मायके से, तो उनको लगता है इम्पोर्टेंट कॉल है, और ससुराल से आ जाती है तो ये लगता है अरे ये कहाँ से आ गया। सुनो, मेरे केस में नहीं है ऐसा बिल्कुल भी, ये हर लेडी पे लागू है ना, फिर आपके परिवार में जो होते हैं सब लागू है ना, ये आप इनडायरेक्टली मेरी माँ को टारगेट कर रहे हैं क्या? नहीं 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 नहीं, मम्मी को नहीं कर रहे, आप किसी भी लोगों को ले जाओ, ऐसा नहीं है, चले फिर आप बड़ी बात है, 10-15 मिनट लगे, चलो ठीक है जी, ओके बाय बाय, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई, ठीक है, बाय बाय, पुलिस साइड से बैठ जाओ, ओके ऐसे नहीं, अच्छा अच्छा अच्छा, उधर से, योर हाइनेस, योर हाइनेस, अरे योर हाइनेस मम्मा।
बाय कनिका, बाय बाय बाय। मैं यही और अनाउंस कर दिया था मैंने, देखा मैंने, नमस्कार जी, बहुत अच्छा लगा। बाय 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 सना, बाय। जान से जाना भाई। सना ये क्या कर दिया बालों का भाई? सना ने देखो फ्रेंड्स क्या किया है, एक सना की चोटी ये, एक चोटी ये और तीसरी चोटी ये, और ये बन गई है भूतनी। और अभी क्या बना रही, मुझे लगा रही थी। हाँ। दिखाओ सबको, दिखाओ सबको, दिखाओ। सना पापा क्या कर रहे हैं, पापा का चेहरा देखते, पापा क्या कर रहे हैं, दिखाना मुकेश। सो गए बेटा, पापा गुस्सा करेंगे, छोड़ दो, पापा गुस्सा करेंगे ऐसे। और आज आज मैंने ना वेडनेसडे देखी, पूरे वेडनेसडे। सॉरी सी थप्पड़ लगेगा, छोटे छोटे बच्चे आगे से हाथ लगाए ना। सना सना ना शरारती बच्ची होती जा रही है, बहुत ज्यादा शरारती होती जा रही है। अच्छा आज हमारे घर कनिका रोहित आए थे और उनके जाने के बाद मैंने अभी, हाँ बोलो, दीदी भैया लगते हैं, सना के दीदी भैया लगते हैं, है ना। तो उन लोगों के जाने के बाद अभी मैंने किचन समेटी है और सामान, सारा सामान सेट करके बिल्कुल पैकअप कर दिया है। अब हम कर रहे हैं सोने की तैयारी, रात के बज चुके हैं 9:30 और हम लेट हो गए यहाँ सोने में ना ननू, है ना बिट्टू। तो गाइज मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहती थी, आप प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताना मेरे व्लॉग डालने का टाइम कौन सा सही है। तो प्लीज जिस टाइम आप लोगों को ठीक लगे उसी टाइम मेरे व्लॉग आया करेंगे, प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताना व्लॉग का टाइम। और अब हम व्लॉग को खत्म करते हैं, बाय बाय।